देर क्यों लगा दी? और वो रजिया की बच्ची कहाँ है? रजिया? तुम्हारा मतलब है रजा खान? अरे वाकई तुमने उसका नाम बिल्कुल सही रखा है, वो रजिया कम और रजा खान ज्यादा है। मैंने कहाँ रखा है, वो खुद को यही कहलवाती है। तो मर्द बनने का शौक ही इतना? सच पूछो तो वो है भी मर्द, चाल ढाल बातें एवरीथिंग मर्दाना। कहीं कम वक्त अपना सेक्स तो नहीं तब्दील कर? अरे हाँ ठीक रहो बेटी। आइए दादा जान केक काटे। अरे भाई पहले अपने अब्बू को तो बुलवाओ। अब्बू वो तो भी आए नहीं है। अमजद नहीं है? जी जी हाँ अभी तक तो नहीं है। अजीब बेवकूफ लड़का है, वो है कहाँ? पता नहीं, मेरा ख्याल आते ही होंगे। अच्छा भाई वो तो आता रहेगा, हम तो अपना फर्ज पूरा करें। आओ बेटे केक काटे चलो। भूख मार के बच्चे बजाओ। जोर से। अब बिस्मिल्लाह करके केक काटो। उसके बाद केक काट कर दादा जान को खिलाओ। हाँ बिल्कुल ठीक। हेलो पढ़ो बिस्मिल्लाह। रहीम। बेटा रात बहुत हो गई। आप नहीं चलेंगी अम्मी? मैं बेटे तेरे पापा का इंतजार कर रही हूँ। तो मैं भी यहाँ बैठूंगा, जब पापा आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा आप मेरी सालगिरह में क्यों नहीं आए। बेटा ये बात तो आप सुबह भी पूछ सकते। देर लगा दी आपने, खैर तो थी। तुम्हें मेरी देर सवेर से क्या है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जब चाहूँ आऊँ। लेकिन मेरे मालिक भी तो आती है, आज बबलू की सालगिरह थी, सारे मेहमान आपका पूछ रहे थे और फिर चचा जान भी बहुत परेशान रहे। ये आप चचा जान की क्या धौल देती हैं? भला मैं आपको क्या धौल दूंगी, अगर वो मेरे चचा हैं तो आपके वालिद भी तो हैं, और फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो दिल के मरीज हैं, उन्हें जरा सी बात से भी कोई सदमा पहुंच सकता है, इसलिए। वो खुद तो दिल के मरीज हैं, लेकिन जिस तरह आप उनकी और वो आपकी तरफदारी करते हैं, अगर इसी तरह करते रहे तो एक दिन मुझे भी दिल का मरीज बना देंगे। मैं जानता हूँ कि अब्बा जान ने आपकी वजह से मेरे दोस्तों को सालगिरह में आने की दावत नहीं, इसीलिए मैं भी नहीं आया। जहाँ मेरे दोस्त नहीं आ सकते वहाँ मैं भी नहीं आ सकता। कैसी बातें करते हैं, भले मैं क्यों रोकती? तुम खुद कौन सा मेरे दोस्तों से मिलना चाहती हो? सबकी बीवियां मेरे सामने आती हैं, उसे मिलती हैं, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से सब मुझे ताना देते हैं, कहते हैं इसकी बीवी जाहिल है, बसूरत है, जब भी तो हमारे सामने नहीं लाते। लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरी तो दुनिया आप है, आप मुझे क्या समझते हैं, मुझे सिर्फ इसकी परवाह है। देखो नज्जू, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो,
समझदार, आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि आज की औरत को घर की चार दीवारी में कैद रहना नहीं चाहिए? तुम सारा दिन घर के काम काज करती हो, आखिर क्यों? तुम मुलाजमत तो नहीं हो, घर की मालिकन हो, मेरी शरीक हयात हो। मैं तो आपके पाँव की धूल हूँ सरताज, ये तो आपकी बड़ाई है कि आपने उसे सर पे सजा रखा है, और ये घर की चार दीवारी मेरे लिए कैदखाना नहीं, मेरी जन्नत है। सच पूछिए तो मैं आपके बबलू के अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहती। मेरे मौला भाई, तोहफे की बात है तो एक नहीं, दस नहीं, चलो बीस ले।
चलो आज हम आपको सैर भी कराएंगे, तोहफे भी लेके देंगे, चिड़ियाघर ले जाएंगे। और फिर वहाँ लोगों को चने भी खिलाएंगे ना, ठीक है ना पापा? चलो चने भी खिला रहे हैं। चलो भाई चलो, तुम भी तैयार हो, चलो खाओ तो सही। अच्छा नाश्ता कर लो। सर आपके कहने के मुताबिक बबलू में अभी सब चीजें आ गई है। गुड वेरी गुड। अच्छा एक काम करो, इन्हें गाड़ी में रखवा दो, मैं भी आता हूँ। तपास ना करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बस बजानी गुस्सा ठूक दो। नालक भेजने से पहले ये तो मालूम कर लो कि मैं बबलू की सालगिरह में क्यों नहीं आया। अच्छा रजा खान की बच्ची, ये बता तो सालगिरह में क्यों नहीं आई? यार मैं इतना बिजी था, इतना बिजी था कि मैं आ नहीं सका। यानी कि तू बिजी थी, न तेरा घर न तेरा बार न बीवी न बच्चा न शौहर कुछ भी नहीं है, और काहे में बिजी थी तू? यार मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, और खास से लंबे अरसे के लिए। मुल्क से मुराद तुम्हारी लाहौर से बाहर, यानी कि गुजरांवाला? ओह नो 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 नो, आउट ऑफ पाकिस्तान। मैं आज यहाँ से कराची, कराची से लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से न्यूयॉर्क, और साला जगह का नाम क्या है, ओ यस सैन फ्रांसिस्को, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये तू कब तक रंगीन ख्वाब देखती रहेगी? आखिर ये तेरी आँख कहाँ जाके खुलेगी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जानी, नो जॉब, मैं वाकई जा रहा हूँ, बल्कि अभी जा रहा हूँ। ओह गॉड, ये घड़ी तो इतना टाइम बता रही है। मैं चला। कहाँ चली? यानी कि तू मुझे बेवकूफ बनाने चली? यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, मुझे ये तो बता कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तू सारी दुनिया की सैर करने को चली है? तेरी कसम जानी मैं वाकई जा रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कराची की एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर मुझे बाहर भेज रही है। अच्छा, बल्कि मुहादे के मुताबिक तो आज ही लंदन रवाना हो जाना चाहिए था। अच्छा जानी अब मैं चलता हूँ, अगर जहाज मिस हो गया तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, और ये टिकट भी एक साहब की मेहरबानी से बहुत मुश्किल से मिला है। अरे सुन, वो अपने खतूत तो लेती जा। हाँ पढ़ तो लिए, अब उसे ले जाकर क्या करूँगा, उसी के पास तो जा रहा हूँ जिसके लेटर्स हैं। ओहो ये बात है। अरे तू बैठ, मैं चलता हूँ। जी नहीं, मैं तुझे बाहर तक धक्का देकर आऊंगी, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू फिर अंदर वापस आ। ऑलराइट, यू आर वेरी गुड। अच्छा नजमा डार्लिंग, अब मेरे लिए कामयाबी की दुआ करना। मैं तो तुम्हारे लिए दिल से दुआ करूंगी कि खुदा करे तुम अपने घर में हंसी खुशी आबाद हो जाओ। बिल्कुल, अब गले गम मिलोगी। चल मिल ले भाई। अल्लाह ओए, चल चल जा। चल बाय बाय। एक और चीज, रोको टैक्सी। मैं पूछता हूँ कौन था वो जिससे तुम गले मिल रही थी? था कोई हमारा दोस्त, लेकिन आप भी जलते हैं। क्या नाम था उस कमीने का? रजा खान। देखिए साहब, आप हमारे दोस्तों को बुरा भला नहीं कहेंगे। तेरी ये हिम्मत, छुप छुप कर गैर मर्दों से। वो मर्द रजिया थी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। तुम्हारा रजा खान एक ही थप्पड़ में रजिया बन गई? तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती, वो औरत नहीं मर्द है। नहीं नहीं, वो तो रजिया थी, मेरे बचपन की सहेली। खुदा की कसम, मुझे मेरे बबलू की कसम, वो मर्दाना लिबास में जरूर थी, मगर आंखों से देखते हुए भी आंखें बंद कर लूं? आप अपनी आंखों से देख लेंगे, एयरपोर्ट चले जाइए, वहाँ रजिया मौजूद होगी, वो कराची जा रही है, उससे मिलकर आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं एयरपोर्ट होकर आता हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या नाम है? हाँ सर, इस नाम पर कोई पैसेंजर नहीं गया। अच्छा रजा खान के नाम पर कोई पैसेंजर थे? रजा खान, जी हाँ, इस नाम के दो आदमी हैं, कैप्टन हसन रजा और सैयद रजा अली नकवी। तुम उनका सब दोस्त करते हो, फिर मुझे उठा ले, मैं उनकी नजर में देखकर चिंता रहना नहीं चाहती। Thank you.
डार्लिंग कब तक लाहौर में रुकोगी? अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर तुमने इस खत का जवाब न दिया तो मैं खुद तुमसे मिलने लाहौर आ जाऊंगा। मेरी जिंदगी, मेरी जान, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास चलिए। तो ये है तेरी बेगुनाही का सबूत? ये है तेरी कसमें? अब भी कह दे कि ये खत तेरे नहीं, रजिया के थे। हाँ सरदार, वाकई ये खत रजिया के हैं। वो मेरे ही पते पर अपने खत मंगवाती। खामोश! मैं तेरी अय्यारी और तेरी मक्कारी को अच्छी तरह जान गया। अब तेरी आहें, तेरे आंसू, तेरी कसमें, तेरी कोई बात मेरे दिल पर असर नहीं कर सकती। निकल जाओ यहां से। सरदार, खुदा के लिए मेरे किरदार पे शक न कीजिए। मुझ पे ऐसा इल्जाम न लगाइए जिसे मैं अपनी जान देकर भी दूर न कर सकूं। मुझसे बदगुमान मत होइए खुदा के लिए। मैं कहता हूं मेरे सामने से चली जाओ, नहीं तो मैं गला घोट दूंगा। हम जल मत भूलो, ये हमारी बहू ही नहीं, हमारा खून है, हमारी भतीजी है, हमारे जिगर का टुकड़ा बजान। लेकिन मेरे पास इसकी आवारगी के सबूत मौजूद। हम तुम्हारे किसी सबूत को देखना नहीं चाहते। हम जानते हैं हमारे घराने की लड़की ऐसी बात करने से पहले मर जाना पसंद करेगी। हमें तुम्हारी आंखों से ज्यादा अपने खून, अपने खानदान पर भरोसा है। अगर अब तुमने कोई बात की तो अच्छा ना होगा। ठीक है बजान, अगर यही बात है तो अपनी चहेती को अपने पास रखें। मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। नजमा, खुदा के लिए चला जाने में रोक लीजिए। मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन इन्हें मत जाने दीजिए। चाहता है तो जाने दो। ये चीजें अपने पास रखना। और देखो, लंदन एयरपोर्ट पर काला प्लास्टिक का फूल लगाए हुए जो भी आदमी तुम्हारे सामने आए उसे ये दे देना और आराम से कस्टम से निकल जाना। एंड यू मीन ब्लैक रोज? ब्लैक रोज। हेलो, ओह नीलम, कहाँ से बोल रहे? हाँ आ जाओ ना यहाँ। नहीं नहीं, कोई काम तो नहीं है। वैसे तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैनेजर। यस। तुम रजिया को लेकर एयरपोर्ट चले जाओ और इसे लंदन रवाना कर दो। तुमने ये तो बताया नहीं, तुम कब आ रहे हो जियो? इंशाल्लाह आज से 15 दिन के बाद तुम्हारी मेरी मुलाकात लंदन में होगी। मटू वाली बात कर लो। तुम इतने दिन मुझसे दूर न रहा करो नीलम, जानती हो तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल हो जाता। मुंह देखे की बातें तुम्हें खूब आती। ये बताओ कि तुम्हारे नए शिकार क्या? बताओ या वो शिकारी नहीं, खुद शिकारी है। तो क्या मतलब? मैं समझती थी कि वो एक रईस था, उसे फंसा के मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगी। मगर जब मैं उसकी जाल में फंस गई तो मुझे पता चला कि वो एक मामूली क्लर्क है। तो फिर तुम उसके जाल से निकली कैसे? मैंने भी शर्मीली देवी की वो एक्टिंग थी कि वो दंग रह गया। अगर मौका मिलते ही तुम बिच्छू जाएंगे। मैं अपना वक्त तो जाया नहीं कर सकती थी। वैसे आते वक्त जो हाथ लगा उठा के ले आई। आखिर इतने दिनों की कीमत तो वसूल करनी थी ना। नहीं, तुम्हारे बिजनेस का यही अंदाज है मुझे पसंद। लेकिन ख्याल रहे, ऐसे फाकम लर्क बड़े खतरनाक होते हैं। मुझे कुछ पता नहीं, उसे तो मेरा असली नाम भी नहीं पता। वैसे सुना है कि वो मुझे शहर शहर तलाश कर रहा है और उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। ओ। लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम जो मेरे साथ हो। क्या पियोगी? शैंपेन या विस्की? यहाँ नहीं, क्लब में। चलो। Thank you.
की बीवी तो नहीं? अकबर ने जो तस्वीर दिखाई थी उससे मिलती तो है। अकबर आजकल इसकी तलाश मेरे साथ लाहौर से यहाँ आया हुआ है। अच्छा, मैं उसे फोन करके बता दूँ। हेलो प्रिंसेस। आप यहाँ कैसे? अरे अरे वो तुमने सुना नहीं वो क्या कहते हैं उसे? हाँ वो दिल से दिल को राह होती। अरे तुम कराची आ गई? मैं कोटा से कराची आ गया। आपकी तारीफ? ये मेरे कजन है असलम। नाइस टू मीट यू। और असलम ये सरदार अमीर खान मेरे मेरे एक्स हस्बैंड है। नहीं। अभी तुमने तुम्हें तलाक दी नहीं? नहीं दी ना? बोल दो बोल। गुजरे हुए दिनों की याद में एक आखिरी दांत मारते हैं। लास्ट वन कम ऑन बी गुड गर्ल जॉय। इतनी ठंडी क्यों हो गया? बात यह है कि इतने दिनों के बाद तुम मिले हो डार्लिंग कि मेरा दिल खुशी से धड़क रहा है, मगर ये सोचकर कि तुम वापस चले जाओगे मेरा दिल टूट जाता है। कहाँ है वो? वो देखो है तेरी शर्म। चल मेरे साथ। कौन? रात जाने मन तुम्हारे आड़े वक्त में हम जैसा आशिक ही काम आया है। अगर कल मैं अपने हवास कायम न रखता तो शायद तुम्हारे साथ मैं भी मारा गया होता। ओ असलम जय, वाकई तुमने कमाल अकलमंदी से काम लिया। मेरा तो खौफ के मारे अभी तक दिल धड़क रहा है। अब किस बात का धड़का है जानी? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे रास्ते के दोनों शहरों का कांटा साफ हो गया। एक जिंदगी की कैद से आजाद हो गया और दूसरे को कम अज कम उम्र कैद होगी और तुम्हारी बारगाह हुस्न शौहर की वैकेंसी फिर खाली की खाली। नई दरखास्तें तलब करो, नया जाल फेंको, नया शिकार ढूंढो। लेकिन अब मैं कोई बहुत बड़ा शिकार तलाश करूंगी क्योंकि तुम्हारे अखराजात भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मैं भी अब गहरे पानी में तैरने की आदि हो चुकी हूँ। कोई मोटी असामी बताओ असलम जिया। बड़ी संग दिल हो, एक आशिक से कह रही हो कि खुद अपना रकीब मुंतखब करे। महबूबा का शोहर आशिक का रकीब नहीं काट का उल्लू होता है, जिसे अपने साथ कर दुनिया वालों को उल्लू बनाया जाता है और अपना उल्लू सीधा किया जाता है। गुड,
लेकिन इस मर्तबे काट का नहीं, कोई सोने का उल्लू तलाश करना। सोने का उल्लू डियर? हाँ सोने का, वो देखो। डियर ये हजरत क्या है, कौन है? ये है सोने का उल्लू, बल्कि प्लैटिनम का। इसे फंसा लोगी तो जिंदगी भर किसी को फंसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशहूर करोड़पति खानदान का मुर्गा है। ओ, आई सी, रोस्ट करने वाला? बिल्कुल। तो फिर दाना फेंको। मगर जानी ये दाना बड़ी दानाई से फेंकना पड़ेगा, ये मुर्गा आसानी से फंसने वाला नहीं है। ये चैलेंज तुम मुझे दे रहे हो, जिसने एक चलाकबाज को एक कान से जख्मी कर दिया था। ये अलग बात है कि फिर मैं खुद तुम्हारे जाल में फंस गई, और ऐसी फंसी कि आज तक फड़क नहीं सकी। बात तब है, उसका नाम क्या है? अमजद। अमजद, आखिर तुम इस कदर दिल बर्दाश्त क्यों? मैं तो कहता हूँ मुल्क से बाहर जाने का ख्याल ही छोड़ दो। नहीं मसूद, मैं जाऊंगा। तुम इफ्तिखार भाई को मेट्रोपोल टेलीफोन कर लो, वीजा का इंतजाम करो। अभी करता हूँ। मालूम होता तुम्हारे शिकार को सुकून की जरूरत है, और तुम इसे मुकम्मल सुकून दे सकती हो। ओशियो, मैं इसे ऐसा सुकून दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। जी मिस्टर अमजद रोम, जर्मनी, जापान और दुनिया के तकरीबन सभी मुल्क में जाना चाहते हैं जी। नहीं, रूट भी आप ही सिलेक्ट कीजिएगा, और जरूरी इंतजाम भी जी। नहीं, इस मरतबा बिजनेस ट्रिप नहीं, बल्कि सैर व तफरी के लिए और सुकून कलब की खातिर। जी थैंक यू। मगर वो तो उड़ने के लिए पर तोड़ रहा है। मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? तुम चाहो तो इसके साथ परवाज कर सकती हो, और अगर चाहो तो इसके पर काटकर अपनी सुनहरी जुल्फों के जाल में कैद कर सकती हो। अच्छा। यस। ओके। आई विल सी। यू मस्ट। तुम्हारे सफर के इंतजाम में चंद रोज और लग जाएंगे। चलो इसी बहाने कुछ रोज और मेरे साथ कराची में रह सकोगे। चलो फिर घर चलो। नहीं तुम ऐसा करो, ये लो गाड़ी की चाबी, तुम घर जाकर आराम करो, मैं जरा मूड बना लूं। खुदा के लिए मुझे बचाइए, गुंडे मेरे पीछे हैं। आप कौन हैं और ये गुंडे कौन थे? ये गुंडे मुझे जान से मार देंगे, प्लीज गाड़ी तेज चलाइए ना। घबराइए मत, आप खतरे से बाहर हैं। ओ, ओ, देखिए आपका नाम क्या है? मिस, मेरा नाम नीलम है, मैं अपने मौसम का नाम पूछ सकती हूँ? मुझे अमजद कहते हैं, क्या नाम बताया आपने? नीलम। मैं एयरपोर्ट से आ रही थी, आज ही लंदन से आई हूँ, जहाँ मेरे बहनों ही रहते हैं। शायद वो टैक्सी ड्राइवर भी गुंडों से मिला हुआ था, उसने उस गली में टैक्सी रोकी और दो चार गुंडे उसमें सवार होकर मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपना सामान छोड़कर बेतहाशा भागी और यहाँ आकर आपकी गाड़ी में बैठ गई। मेरे साथ शुक्र है आपकी इज्जत बच गई। चलिए मैं आपको आपके बहनों ही के यहाँ छोड़ा हूँ, आप रास्ता बताइए। शुक्रिया, ठीक जा रहे हैं। मेरे बहनोई की सेक्रेटरी है और मेरे बहनोई डॉक्टर है। कल आपकी बाजी का 40वां था, डॉक्टर साहब रोज बेगम दावा की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। हाय हाय, आज भी वही होंगे। ओ बाजी,
चली गई। माँ बाप के मरने के बाद एक तू ही तो मेरा सहारा थी। काश मैं अंकल से मिलने इंग्लैंड ना जाती। सबर कीजिए मिस, आपको यही मंजूर, अब मुझे जाना है। प्लीज रुक जाइए, मेरे दूल्हा भाई तो आ जाए। शायद मेरे दूल्हा भाई आ गए। सर, डॉक्टर साहब ने पैगाम भेजा है कि उनके चचा की हालत नाजुक है। वो कब्रिस्तान से डिस्पेंसरी में आए थे और वहीं से गांव चले गए। गांव चले गए? ओह, अब क्या होगा? मैं यहाँ तो अकेली रह ही नहीं सकती। मेरे सामान में इस घर का पता भी था। अगर वो गुंडे यहाँ तक पहुँच गए और मुझे अगवा कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा? सिस्टर, मैं जो हूँ आपके पास। चुप हो गए, तुम क्या मेरी हिफाजत करोगे? अगर आज ये मुझे अपनी कार में लिफ्ट न देते तो मैं यहाँ पहुँचने के बजाय कहीं और होती। तो फिर डॉक्टर साहब की वापसी तक इनको यही रखे लेते हैं। मैं कहते हैं पवे भाई, आप क्या कह रहे हैं? फॉर गॉड से प्लीज मिस्टर अमजद, जहाँ आपने इतनी जहमत उठाई है वहाँ थोड़ी सी तकलीफ और बर्दाश्त कर लीजिए ना। लेकिन मिस नीलम, मैं आपके दूल्हा भाई की गैर मौजूदगी में यहाँ कैसे रह सकता हूँ? और फिर मेरी अपनी भी कुछ मसरूफियात हैं, मैं खुद आजकल बहुत परेशान हूँ, बेसुकून। आप तो सिर्फ परेशान हैं और मैं गैर महफूज। आप मर्द हैं और मैं एक कमजोर दिल औरत हूँ। अगर आप चले गए तो इतने बड़े घर में मैं एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजार सकूंगी। हर वक्त उन गुंडों का खौफ आता रहेगा। क्या भरोसा वो यहाँ पर भी पहुँचे? आप तो खामखा घबरा रही हैं मोहतरमा। देखिए ना, मेरा सामान भी अपने एक दोस्त के यहाँ पड़ा है, फिर चंद दिन तक मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। प्लीज इस वक्त तो आप अपने दोस्त के वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उन गुंडों के तसव्वुर से मुझे खौफ आने लगा है। चलिए चलिए, आपका सामान ले आइए ना। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइए आइए आइए। आप लोग जबरदस्ती कौन देना? वेरी गुड मिस नीलम, आखिर तुम अपने शिकार को निशाने की जद में ले आई हो। वेल सिस्टर इन लॉ, अपने नए ब्रदर इन लॉ की नथ इन लॉ कब खुल रही है? और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में, देखते जाओ। खिचड़े ला, आइए। ये लीजिए, अपने मेहमान को इनका कमरा दिखा। यही आपका कमरा है मिस्टर अमजद, और ये साथ वाला कमरा मेरा है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना तकल्लुफ कह दीजिएगा। मेरे ख्याल में अब आप नहा धो लें, थक गए होंगे, फिर मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। और ये बाथरूम है, एक तरफ से आपका और दूसरी तरफ से मेरा। आप अपना बाथरूम चेंज कर लो। आप बहुत शरीर है। ये सामान आप मुझे दे देंगे? ये ले। थैंक यू। मिस नीलम, मुझे मालूम नहीं था बाथरूम। कोई बात नहीं, दरअसल गलती मेरी थी, मैं आपकी तरफ का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। जाइए नहा लीजिए। थैंक यू। ये बिस्किट लीजिए ना। जी नहीं, शुक्रिया। मैंने आपका सारा प्रोग्राम गड़बड़ कर दिया, पता नहीं क्यों बचपन से मैं इतनी डरपोक क्यों वाकई हुई हूँ। अक्सर औरतें डरपोक होती हैं। आपकी बहनों ही कब आ रहे हैं? शायद कल तक आ जाए। आप बोर हो गए होंगे। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं।
दहशत नहीं होगी तो और क्या होगा। एक हफ्ता हो गया हमें इस गटर में बंद हुए और अभी तक उस साली का भी पता नहीं कि कितनी कामयाबी हुई या नहीं। क्या हुआ मिस नीलम, कितनी कामयाबी हुई सिस्टर इन लॉ? पता नहीं क्या बात है, बात बनते बनते रह जाती है। वो मेरे काबू में आने लगता है फिर अचानक उसका मूड बदल जाता है। शराफत के दायरे से बाहर आना आसान थोड़ा ही है मैडम। अगर ये मामला है तो तुम तरकीब नंबर 19 क्यों नहीं इस्तेमाल करती? वो मेरे करीब आता है फिर अचानक पीछे हट जाता है तो फिर तरकीब कैसे इस्तेमाल होगी? ये लो गोलियां, इसमें से दो गोलियां दूध में मिला के उसे पिला देना। अब जो करीब आएगा तो फिर कभी वापस नहीं जाएगा। हाउ स्वीट नारियल वाला, तुम कितने अच्छे हो। यू आर वेरी स्वीट। वो स्वीट मुझे कह के गई है, तुम्हें नहीं। चलो चला। यस कम इन। अरे आपने ही जहमत क्यों की, मैं तो रात को दूध नहीं पीता। और मुझे दूध पिए बगैर नींद नहीं आती, मैंने सोचा शायद आपकी भी यही कैफियत है। जी नहीं। चलिए आज पीजिए। आप जिद करती हैं तो बचपन की आदत फिर दोहरा लेती हैं। शुक्रिया। बेटी खराब ना हो जाए। आप देखा होगा, चल मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। Yeah.
आपने देखा है जैसे अमजद को किसी नागर ने दस लिया है। ओहो, बस इतनी सी बात? पगली, मैं तो डर ही गया था। क्यों करो, पुल हो अल्लाह पढ़कर सो जाओ, पूरे ख्वाब नहीं आए। फिक्र अपने कमरे में सोया था। ये आपका कमरा है? नहीं, ये तो मेरा कमरा है। लेकिन फिर हाँ, मुझे याद है आप दरअसल मेरे कमरे में आई थी। हाँ, लेकिन फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी और उसके बाद आप मेरे कमरे में आए और फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो मैं कहना नहीं चाहती। मिस्टर अमजद, आपने मेरी मजबूरी को लूटा है, मेरी सादगी से फायदा उठाया है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मिस नीलम, मेरे ख्याल से आपको गलतफहमी हुई है। आप अपनी गलती को मेरी गलतफहमी कह के टाल सकते हैं, क्योंकि आप मर्द हैं और मर्द कभी भी गलती नहीं करता। गलती तो हमेशा औरत ही करती है। आप जरा सोचिए, अब कौन मुझसे शादी करेगा? अगर किसी न किसी तरह मुझे किसी बदनसीब के पल्ले बांध भी दिया तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी? जी चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं। ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? सिस्टर लॉ, कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? अभी तक सो रही हो सिस्टर लॉ? अरे कहीं वो अंदर ना आ जाए, लेकिन दरवाजा तो बंद है। ऐसा करें, आप यहीं रहें, मैं दूल्हा भाई को हैंडल करती हूँ। आउट ऑफ लॉ। मैंने सुना है कि एक शख्स रात को यहाँ ठहरा है। अगर ये सच है तो मैं इसको गोली मार दूंगा, कैप्सूल मार दूंगा। आप आराम से मेरी बात तो सुने। ओह नो, वो कोई गैर नहीं है। तो क्या तुम्हारा फुफर है? फुफर नहीं, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है। हाँ। मैंने लंदन में उनसे शादी कर ली थी। थैंक गॉड, अगर तुमने उससे शादी न की होती मैं एक गोली उसको मारता और एक गोली तुम्हें मारता और चार गोली मैं अपने आप को मारता, क्योंकि मेरा चार गोली का कोटा है। आप यहाँ आराम से बैठे, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ओके, जल्दी लेके आओ अगर वो चलने के काबिल है। जल्दी क्या हुआ? मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम मेरे शौहर हो। है? हाँ, और इस वक्त इसके सिवा कोई चारा भी ना था। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अच्छा ठीक है, घबराओ मत। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद।
और अब हम खुफिया तौर पे शादी कर लेंगे ताकि मेरी कही हुई बात सच साबित हो और मेरी लुटी हुई इज्जत पे पर्दा पड़ जाए। लेकिन देखो इस तमाम बात के लिए मुझे एक हफ्ते की मोहलत चाहिए ताकि मैं लाहौर जाकर अपने वाले से बात कर लूँ। भूलोगे तो नहीं, वादा करो। वादा? मेरी जान की कसम खाओ। मुझे अपनी जान की कसम। ठीक है, चलो दूल्हा भाई से मिल लो। जंतु जलाल तो सर दूल्हा भाई इनसे मिलिए, ये मेरे शौहर है। आपसे मिलकर हुई खुशी मुझे। मुझे भी। नीलम एक खुद मुख्तार रियासत की तरह है, मेरी साली है यानी कि आधे घर वाली है। मैं उसकी सिलेक्शन की दाद देता हूँ। आपके चेहरे से एक चीज टपक रही है जी? जिसका नाम है शराफत। दूल्हा भाई आज ये लाहौर जा रहे हैं अपने डैडी से मिलने, एक हफ्ते के बाद मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सिस्टर इन लॉ कि तुम भी इनके साथ चली जाओ और फादर इन लॉ से जाकर मिलो। जी नहीं, जी नहीं, मैं अपने वालिद को लेकर आऊंगा फिर इनको ले जाऊंगा। भैया ये तुम्हारी अमानत है। जी 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 जी, इसको ले जाना। जी जरूर, इसका खर्चा बहुत है। जी नहीं। अच्छा छोटा सरकार। पापा आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? अम्मी बहुत होती हैं, मैं भी बहुत होता हूँ, अब तो मैं नहीं आ जाएंगे। चल अम्मी के पास। आंखों में शक की काली को तो हर चीज काली नजर आती है। ये आंसू मेरी किस्मत की स्याही को धो सकते हैं, तो मैं सारी उम्र आंसू बहाने के लिए तैयार हूं। आप आ गए, मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे। आप मुझसे बदगुमान नहीं हो सकते, वक्ती गलतफहमी तो हो सकती है लेकिन क्या आप अब भी मुझसे बदगुमान हैं? अगर ऐसा है तो खुदा के लिए अपने हाथों से मेरा गला खोल दीजिए, मगर मुझ पर शक ना कीजिए। मैं तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं, तुम्हें तलाक देने आया। तो मैं क्या करूं, उसे मिलना होगा तो खुद मेरे कमरे में आएगा। पता नहीं आज क्या हो गया, पप्पा भी मेरी बात ही मानते और आप भी। खैर बेरोती शक्ल बिल्कुल बाप पर गया है, चला है जरा सी बात पर टस में बात। तो अपनी सेक्टरिंग से मेरे मासूम बाप को तो धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। तेरे ये आंसू मेरे दिल पर लगे हुए उस दाग को नहीं धो सकते जो तेरी आवारगी और बदचलनी ने लगाया है। मैं तुझे इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खामोश हो जाइए, खुदा के लिए अपनी जबान से ऐसे अल्फाज ने निकाली नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नाखलम कमीने, तू समझता है तू अमीर बाप का बेटा है, अपनी मर्जी करेगा? तो समझता है कि नजमा के माँ बाप मर गए? हम कहते हैं कि नजमा के माँ बाप हम हैं और हम अपनी जिंदगी में अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते। अरे तू कहता है कि नजमा आवारा है, हम कहते हैं कि तू आवारा और बदचलन है। तू नजमा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि तू इस काबिल नहीं कि तुझे कोई शरीफ बीवी बर्दाश्त कर सके। ज्यादा कमजद याद रख मेरी ये बदजुबानी और ये गलत सोच तुझे एक दिन पछतावे पर मजबूर कर देगी। पछतावे।
सिस्टर इन लॉ, मेरा ख्याल है कि नए ब्रदर इन लॉ का दिल तुमसे एक ही दिन में भर गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। मिस्टर, कोट एक बार पॉकेट में चली जाए तो दोबारा उसी वक्त निकलती है जब बाजी फिनिश्ड हो जाए। वो आएगा और जरूर आएगा। सरकार, आपने सब नौकर का निकाल दे, हमका तो अपने कदमों में पड़ा रहेंगे। सरकार बाबा, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते। मैं पुराने नौकरों को घर में नहीं रख सकता, उनसे जितना करो। हजूर, धुंधा मचा रखा है। तुम जो सामान साथ ले जाना चाहती हो बांध लो, कल वकील तलाकनामा लेकर आ जाएगा। सरकार, खुदा के लिए मुझे तलाक ना दीजिए। मेरी इतनी सी इल्तिजा मान लीजिए, इसलिए कि मैं कयामत के रोज आपके नाम से वाबस्ता होकर उठना चाहती हूँ। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं, शौक से कर लीजिए, मैं उसकी बेखिदमत करूंगी। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। वो तुझसे नफरत करने लगी है, लेकिन तू तुमसे मोहब्बत करती है। वो तुझसे शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी खुशी इसी में है तो तू उनकी खुशी के लिए जुदाई का जहर पी ले। उनकी खुशियों के लिए उनके रास्ते से दूर चली जा, दूर चली जा नजमा, दूर चली जा। ठीक है, मैं यहां से चली जाऊंगी, दूर चली जाऊंगी, आज चली जाऊंगी, आज चली जाऊंगी। छोड़ दिन तुमने भी तो छोड़ दी मलि बाबा। नहीं मालकिन, हम नहीं छोड़ी। मालिक कहते हैं कि हमका पुराना नौकर नहीं चाहिए, तब हमका छोड़ना पड़ेगा बाबा बेगम साहबा। मेरे मालिक ने भी मुझे यही कहा है बाबा, उसने पुराने नौकरों की अब जरूरत नहीं। अंदर आइए बेगम साहबा, अंदर आइए। हमारा झोपड़ा आपके काबिल तो नहीं, पर सरकार ये छोटे सरकार का हमका दे दो बेगम साहबा। ओहो,
छोटे सरकार तो बुखार में बस तपत है, बारिश में भी तरह है बाबा। आइए बेगम साहब आइए, अंदर आ जाइए। सिस्टर इन लॉ, अगर हर नए ब्रदर इन लॉ की वापसी इसी तरह लेट होने लगी तो मीटर पे वेटिंग की काफी रकम बढ़ जाएगी। मैं तो कहता हूँ तू नहीं और सही, और नहीं कई और सही, किसी और बड़े खानदान को हैंड टू माउथ करने की कोशिश करो। तुम बहुत जल्द बाजू नारियल वाला, मैं वहाँ डोर डालने की आती हूँ जहाँ मछली चारा खाकर भाग जाती हूँ। बाहर देखो इस गहरे समुन्द्र में कौन कुंडी डालने आया है, और सुनो जल्दी वापस आना कहीं खग्गा समझ के तुम्हें ले जाए। अभी आया। सिस्टर इन लॉ, आज तो एंटी एयरक्राफ्ट लग रही, कोई पायलट नहीं बचेगा। मेरा दिल कहता है आज अमचर जरूर आएगा। आज भी नहीं आएगा। सिस्टर इन लॉ, बाहर नए ब्रदर इन लॉ टैक्सी का बिल दे रहे, उनके हाथ में हमारा बिल है या नहीं? तेरे बिल का क्या? चलो 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 चलो। हाजिर हो सकता हूँ? ब्रदर ला हाजिरी लगवाने आया है। रजिस्टर खोलो, वेटिंग वसूल करो और हाजिरी लगा दो। क्या बात है भाई, सब लोग नाराज मालूम होते हैं। दूल्हा भाई, इनसे कह दीजिए हम किसी से नाराज होकर क्या करेंगे, हम तो खुद चंद दिनों के मेहमान हैं। भाई इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, इस वजह से रुको। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ। नीलम हौसले रखो, तुम्हें तो मेरी ढारत बनानी चाहिए। अमजद, तुमने ये खबर सुनाकर मेरी उम्मीदों का चमन वीरान कर दिया। मैं तो सोच रही थी मेरा बाप नहीं, मुझे सुसर के रूप में बाप मिल जाएगा, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ, उन्हें देख भी ना सकी। खुदा को यही मंजूर था। अमजद साहब, आपने सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ की वफात का हमें बताया नहीं, कम अज कम 40 रुपए बुला लिया होता तो एक आध सिपारा हम भी पढ़ देते। लेकिन आप तो अरबी जानते ही नहीं। खामोश बेवकूफ, अबू ज़हबी से आने वाले दावतनामे कौन पढ़ता है। खैर तो व्हाट्स द प्रोग्राम नाउ? बस दो चार दिन मैं यहाँ रहूंगा, उसके बाद हम दोनों लाहौर चले जाएंगे। हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे जहेज के तौर पे। देखा जाएगा। सिस्टर इन लॉ, मालूम होता है कि ब्रदर इन लॉ नको नक हो गए हैं, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमजद, जी तो चाहता है उम्र भर के लिए तुमसे रूठ जाऊं। Bye.
चाहता था। खुदा के लिए इतना जब न कर बेटे, तेरी मां का कलेजा फट जाए, इतना जब न कर। क्या सोच रहे हो? हम नहीं सुन सकते वो ख्याल। पता क्या, मैं सोच रहा था कि मुझे जिंदगी में ऐसी ही शरीक हयात की जरूरत थी जो शरीफ हो, मासूम हो, हमदर्द हो, जो जिंदगी में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो सिर्फ मेरी हो। लेकिन इंसान सोचता कुछ है, रोता कुछ है। चलो चलें यहाँ से, मुझे न मालूम क्यों गया शत्रु। ये दवाएं आप फौरन बाजार से लें। डॉक्टर साहब का नजर कर दूंगा आपसे। मेरी फीस और इंजेक्शन मिलाकर 35 रुपये। डॉक्टर साहब इस वक्त 30 रुपये से 6 आने हैं। डॉक्टर साहब बाकी के पैसे सुबह पहुंचा दें। लेकिन अगर तुम्हारे पास यही रकम है तो ये दवाएं कैसे आएंगी? इसलिए कि इन दवाओं की कीमत तो कम से कम 200-250 रुपये है। 250 रुपये? तो आप, अगर ये दवाएं आज ना मिली तो मुन्ने का बचना मुश्किल है। अगर ये दवाएं आज ना मिली तो मुन्ने का जिंदा रहना मुश्किल है। अगर ये दवाएं आज ना मिली तो मुन्ने का जिंदा रहना मुश्किल है। अगर ये दवाएं ना मिली तो मुन्ने का जिंदा रहना मुश्किल है। अगर ये दवाएं आज ना मिली तो मुन्ने का जिंदा रहना मुश्किल है। अगर ये दवाएं ना मिली तो मुन्ने का जिंदा रहना मुश्किल है। मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। तमाशा करे महवे आईना दारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते। अरे तुम शीशे में क्या देख रही हो? अपने आप को मेरी आंखों में देखो। इस वक्त कौन आ गया? तुमने तो तुम्हें जमीन का है। अपनी बबलू को बचा लीजिए, खुदा के लिए बबलू को बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है अगर उसे अभी दवाइयां नहीं मिली तो वो सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। मैं आप 300 रुपए की भीख मांगती हूँ, मुझे भीख दे दीजिए। मैं कसम खाती हूँ इसके बाद मैं इस दर से कभी नहीं आऊँ, कभी नहीं आऊँ। कौन हो तुम? भीख मांगने का अच्छा तरीका निकाला है, किसी के घर आधी रात आकर इस तरह परेशान करने का मतलब? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको कैसी तकलीफ दी, मगर मैं बहुत ही मजबूर थी। मेरा बच्चा बीमार है, अगर उसे अभी दवा ना मिली तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। आप भी एक औरत है, इस माँ के दिल को तो समझ सकती है। मैं तुम जैसी बेकार लोग चिलते खूब समझती हूँ।
लेकिन मैं तेरी बातों में आने की नहीं। सफो यहाँ से चल। ये लो। आखिर क्या जरूरत है इतने पैसे देने की? इसका बच्चा बीमार। बीमार है तो हुआ करे, हमने इन सब का ठेका नहीं ले रखा। लेकिन लेकिन क्या, हमारे पास मुफ्त के पैसे नहीं। आखिर कौन है ये औरत? ये इसकी हिम्मत कैसे इस घर में आने की? ये मैं इस घर की पुरानी मुलाजमा हूँ। अगर तुम इस घर की मुलाजमा हो तो कल कहाँ थी, काम पर क्यों नहीं आई? मेरा बच्चा बीमार है बेगम साहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ममता की खाली छोरी में से भीख डाल दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूं। मैं ये रुपए तुम्हें जरूर दे सकती हूँ, मगर एक शर्त पर, और वो ये कि बच्चे के अच्छे होते ही तुम्हें काम पर वापस आना होगा। मंजूर है? जी, वो ये काम पर वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी काम पर वापस? एक महीने से इसे नौकरी से निकाल दिए। तो फिर इतने पैसे किस हिसाब में दिए जा रहे थे? इसका बच्चा बीमार है। देखिए जी, ये घरदारी का मामला है, आप इसमें दखल ना दीजिए। नौकरों को रखना और निकालना ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या नाम है तेरा? नजमा। कहाँ रहती है? सरकार इस घर के पुराने मालिक के घर में जिंदगी के दिन गुजार रही है। तो इसका मतलब है तेरे मियाँ ने तुझे छोड़ रखा है? जी जी, यही समझ लीजिए। बड़ा बुरा आदमी है जिसने इतनी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़ दिया। नहीं मालकन, वो बुरे नहीं है, बुरे तो मेरे नसीब है, बुरी तो शायद मैं ही हूँ। अच्छा, ये ले रुपए, जब काम पर वापस आएगी। रात एक लड़की आई थी। लड़की कहाँ है? लड़की हिमान से काफी दिनों से लड़की देखने के लिए आंखें तरस। मेरी कोई बात तो सुन लो, बीच में बोल पड़ते। सॉरी। वो लड़की बहुत खूबसूरत है। तो हम क्या किसी की माँ बहन से कम है? फिर बीच में बोले। अगेन सॉरी। उस लड़की को देखते ही मुझे फौरन तुम्हारा ख्याल आया। तो क्या वाकई वो मुझे इतने खूबसूरत? मत। मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की से तुम्हारी शादी करा दूं। शादी? ओ थैंक यू सिस्टर, शादी के लिए तो मैं बहुत ही आवाज़ आ रहा। यकीन करो कि सारी सारी रात मैं दीवारों पर गाने लिखता रहता हूँ, ओ माई डार्लिंग कम कम कम। लेकिन एक बात, मैं उसे देखूंगा। देख लेना, मैंने इस घर में मुलाजिम रख लिया है। अमजद तो मान ही नहीं रहती, मैंने बड़ी होशियारी से काम लेकर सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्हें मनाया है। सिस्टर ला, क्या तुम मुझे इतना चीप समझती हो कि मैं नौकरानियों से शादियां करता था? वो तो मालकों के साथ फिक्स हो गई है और मुझे नौकरानियों के साथ बीच बटन कर रही हो। नारियल वाला, जब तुम उसे देखोगे ना तो भागे हुए मेरे पास आओगे, समझे तुम? श्योर? यस। बेटा दूध पी लो और फिर आराम से लेट जाओ, मैं इस काम पे जा रही हूँ, माली बाबा को तंग न करना। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं तुम्हारे पापा के घर जा रही हूँ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम आराम करो। अम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे भी पापा के घर ले चले, मेरे दिल पापा को देखने को बहुत चाह रहा है। अच्छी बात है बेटा, मैं तुम्हें भी ले चलूंगी, लेकिन एक शर्त, वो ये कि तुम पापा को पापा नहीं कहोगे बल्कि सेठ साहब कहोगे, मालिक कहोगे। मगर अम्मी वो तो मेरे पापा हैं, मैं उनको सेठ साहब क्यों कहूंगा? इसलिए बेटा कि अब वो घर हमारा घर नहीं है, उस घर की कोई चीज हमारी नहीं है। देखो बेटा, अब हम उस घर के नौकर हैं, हमें वहां काम करना है, मालिक और सेठ साहब की खिदमत करना है। उनका गुस्सा, उनकी झड़कियां, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना, समझ गए ना बबलू? याद रखो बेटा, अगर भूले से भी तुमने सेठ साहब को पापा कहा, क्या उस घर में शरारत की तो मालकन हमें उसी वक्त घर से निकाल देगी। फिर तुम अपने पापा को कभी नहीं देख सकोगे, आज से मेरे बेटे तुम्हारी माँ मर जाएगी। नहीं अम्मी, मैं आपकी हर बात मानूंगा अम्मी, मैं उन्हें सेठ साहब कहूंगा, मैं उन्हें मालिक कहूंगा, मैं वादा करता हूँ अम्मी, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, मैं पापा के पास रहूंगा, मैं पापा के पास रहूंगा। मेरे लॉर्ड, खुदावंद मुझ पर नहीं तो इस मासूम पर रहम खा, रब्बुल इज्जत इस मासूम बच्चे के लिए उनके दिल में रहम और प्यार पैदा कर दे, मुझे उठा ले, मगर इस मासूम को बाप के साये से जुदा ना कर मेरे परवरदिगार।
मेरा नल कर। तुम आ गई? सलाम करो बेटा। सलाम मालकन। आज से सारे कमरों की सफाई तुम करोगी। मेरे और साहब के कपड़े इस्त्री करना और उन्हें ठीक से रखना, यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गई? जी बहुत बेहतर, आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बबलू, ये क्या बदतमीजी है? तुमने क्या वादा किया था? गम्मी, मैंने सलाम किया था, मांकल भी कहा था। और ये अभी क्या हरकत कर रहे थे? बहुत बुरी बात है गम्मी, उसने तो मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया और यूं तो चल रही थी। तो क्या हुआ बेटा, आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाऊंगी। अच्छा अम्मी, अब नहीं कहूंगा। मेरा अच्छा बेटा, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम लेट जाओ बेटे, मैं जरा घर का काम कर लूं। आज बड़ी क़यामत लग रही है, आ जा रही है। आज हम घूमेंगे, पिक्चर पे जाएंगे और उसके बाद किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। और फिर? और फिर? और फिर? आ, आ, आ। अभी नहीं, ये प्रोग्राम बात है। आपने मुझे डरा ही दिया। पापा, पापा जानी। समझा ले, इस घर की किसी चीज को हाथ ना लगाए। रख वही तस्वीर। चलो डाल। अम्मी, ये डार्लिंग क्या होती है? डार्लिंग, ये बोर्डाइन होती है बेटा, जो बच्चों को बाप से जुदा कर देती है, हंसते बसते घर उजाड़ देती है। वो छुरी होती है जो सीने में उतरती चली जाती है। ये वो डायन है जिसने मुझे डस लिया है, जिसने मुझे डस लिया है, लेकिन मैं फिर भी इसका बुरा नहीं चाहती, इसलिए कि ये इनके गले का हार है।
सिस्टर इन लॉ की नौकरानी को देखा है? कौन सी? वो नजमा? हाँ वही है तो नौकरानी, लेकिन बहुत खूबसूरत है। हाँ तो वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मेरी इज्जत में कोई फर्क तो नहीं आएगा? अजी आपकी इज्जत भी कहाँ है जो फर्क पड़ेगा? क्या मतलब? आज का क्या प्रोग्राम? आप संडे है, छुट्टी का दिन है, मैं घर पे ही रहे। कैसे तुम्हारी बात? अरे नजमा अंधी हो गई क्या? ऐ मर गई, किसी नीच खानदान की लड़की है।
किसी दूसरे की तमीज ही नहीं। मालूम होता है इसके खानदान ने कभी कुछ देखा ही नहीं, जब देखो कोई ना कोई नुकसान कर दी। अरे आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, मुझे जरूरी काम याद है। ठीक है ना शेर साहब? बस तमीज कर दीजिए। आपकी तारीख? पहले तो कभी नहीं देखा जी। मैं तो इस घर की पुरानी नमकखार हूँ, आप ही नहीं। कोई बात नहीं, पुराने भी हो जाएंगे जी। नेवर माइंड स्वीट मुलाजमत, नेवर माइंड। पहले हम सिस्टर इन लॉ से मिल लें, फिर सर्वेंट इन लॉ से भी मिल लेंगे। You are looking smart, beautiful. इन ज़ेवरात में शहजादी लग रही। अच्छी लग रही है ना? अच्छे? अरे कयामत, मर्डर, किलिंग। अगर इतने ज़ेवरात घोड़ी ने पहने हों तो कॉर्पोरेशन वाले पूरा टांगा पास कर लेते। क्या जाइयो वाली बात है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि इस हालत में अगर तुम्हें अमजद देखेगा तो तुम्हारे कदमों पे गिर जाएगा, ऑन द फुट। तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? क्या? वो तुम्हारी खूबसूरत सी नौकरानी है ना, उसको रास्ते से हटाने के लिए मैंने एक तरकीब सोच ली है। क्या तरकीब है, जल्दी बताओ। अब वो नौकरानी वाकई मेरे लिए दर्द सर बनती जा रही है। तो इस दर्द सर को मेरे सर पे मुंतकिल कर दो। क्या मतलब? मेरी और उसकी शादी। इस तरह मेरा मामला भी सेट हो जाएगा और तुम्हारा रास्ता भी साफ। अंडरस्टैंड? या ठीक है, मैं इसी मसले पे आज ही अमजद से बात करती। गुड। और अगर नहीं माना वो तो? उदास नजर आ रहे हो। कोई बात, मैंने सोचा है हम दोनों नेकी कमा लें। नेकी कमा लें? क्या मतलब? मतलब ये कि एक बेसहारा को घर में आबाद कर लें। हाँ, ये तो है नेकी का काम। कौन है वो? यही अपनी मुलाजमत। कौन मुलाजमत? नजमा। और कौन? वो अपना डॉक्टर है ना, उसके साथ ब्याह कर देते हैं उसका। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, ऐसी कौन सी बात है? जो दिया नहीं हो सकता। से नहीं हो सकता। डाली चलो नाश्ता कर लो, मुझे देर हो रही है। पहले आप मुझसे वादा करें, नजमा की शादी डॉक्टर साहब से करवा देंगे। नीलम, जब मैंने तुम्हें एक बार मना किया था कि मैं ये बात सुनना नहीं चाहता, तो ये बात बार बार क्यों दोहराती? मगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप उसके शादी के जिक्र पे इतने चिड़ापा क्यों हो जाते हैं? आखिर वो आपकी नौकरानी ही तो है, कोई बहन या बेटी तो नहीं? बदतमीज कहीं की, ऐसे बेहुदा जुमले मुंह से निकालने से पहले ये मत भूलो कि तुम अपने शौहर से मुखातिब हो, उस शौहर से जिसने तुम्हें इज्जत दी है, इस घर की मालिका बनाया है, तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम नजमा को नौकरानी कह सको। याद रखो नीलम, जिसने तुम्हें इज्जत दी है वो इज्जत छीनना भी जानता है। और कान खोल कर सुन लो, आइंदा मैं ये जिक्र सुनना नहीं चाहता। आइंदा अगर तुमने इस मसाले पर बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बेहुदा बदतमीज। नहीं बेटे, हम नाश्ता नहीं करेंगे, आप कर ले। हम जी सेठ साहब, जब आप पर माखन कर लेंगे उसमें से बची हुई चाय हम भी पी लेंगे, हम तो घर के नौकर है ना। अब यहाँ बैठो, बैठ। नहीं सेठ साहब, मालकिन मारेगी। अमीन ने कहा है अगर हम जब आपके पास आए तो मालकिन हमें घर से निकाल देगी। नहीं बेटे, तुम्हें कोई घर से निकाल सकता है? बैठो, आप चलो, ये लो यहाँ पर बैठकर खाओ और रोजाना हमारे साथ नाश्ता करोगे। अच्छा, हम दफ्तर जाके अगर और भूख रहे तो बटलर से और आम ले लूंगा। अच्छा बेटे, चलो खाओ। बहुत अच्छा सेठ साहब। क्या तू इस मेज पे बैठ के नाश्ता करे? तेरी माँ कम मेरे सीने में आग लगा रही है, क्या तू शुरू हो गया है? बोल, बैठेगा इस मेज पे, बैठेगा माली के साथ, निकालिए निवाले। कमीने, तेरे बाप का माल है जो तू बैठा कर रहा था, उससे चली जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बैठा मैं मम्मी मजे से खाना खा रहा था, मास्टर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मालकर, क्या कुछ हो गया है इससे? क्या कर दिया है इसने? मुझसे पूछ ली कि क्या हुआ? तू नहीं जानती कमीने, तूने ही आग लगाई है। मैंने मालकन, हाँ तूने, तू समझती है, तू मेरे शौहर को फांसने के लिए जो जाल बिछा रही है, मैं उसे नवाकिफ हूँ। बच्चे ने नवारा, तेरे ही कहने पे आज इस पिल्ले की यही मत हुई कि ये मेज में बैठ के उनके साथ खाना खा रहा था। क्यों रे बच्चा, क्यों बैठा था मालिक के साथ, क्यों उनके हाथ से खाना खाया था? मैंने तुझसे कहा था कि तूने उनसे दूर रहना, और तू उनके हाथ से खाना खा रहा था। तुम क्यों खा रहा था खाना, क्यों खा रहा था? तुम मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता? मुझे माफ कर दो, मैं नहीं खाऊंगा। मेरा बच्चा, मेरी जान, बेटे मुझे माफ कर, मेरी जान, तेरी मां मजबूर है, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी जान। नौकरानी में जरूर कोई ताल्लुक है, और ये जानने के बाद मैं उस कमीनी को एक लम्हे भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं हर कीमत पे उससे शादी करना होगी। कीमत क्या, मैं तो उसे फ्री शादी करने के लिए भी तैयार, लेकिन अमजद, मेरा मतलब है उसका बनेगा क्या? अब हम अमजद से इजाजत नहीं लेंगे, बल्कि मैं उसे मना कर उसके जहन से ये बात ही निकाल दूंगी। अब ये शादी उसकी इतला के बगैर होगी। तुम कल तक शादी के इंतजाम मुकम्मल कर लो। मैंने कौन से छुहारे पॉलिश कराने, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर नजमा शादी पे रजामंद ना हुई तो उसे जबरदस्ती राजी कर लिया जाएगा। सर, आपका फोन। हेलो जी। डार्लिंग, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वाकई कल रात और आज सुबह ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी बात ही नहीं करूंगी जिससे तुम्हें गुस्सा आए। प्लीज इस बार माफ कर दो। चलो, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, मुझे कोई शिकायत। तो जनाब, आप अभी घर आ रहे हैं ना? अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर लगेगी। ओ स्वीट, आज तो इंटरनेशनल में खास फंक्शन है। मेरा ख्याल है हम अपने मिलाप की खुशी अगर वही मनाए तो कितना अच्छा हो। अच्छा, तो फिर यूं करो, तुम तैयार होकर वहां पहुंचो, मैं वहां टेबल रिजर्व करा देता हूँ। हाँ, जैसे तुम वहां पहुंचोगी जितनी देर में मैं फारिग हो जाऊं फिर मैं भी आ जाऊं। ओके 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 का बच्चा। Oh, wait.
हेलो। उधर कहाँ? इधर। तशरीफ रखिए मिसेज अमजद। तंस कर रहे हो? तंस का तो कोई सवाल नहीं। क्या तुम इस शहर के सबसे बड़े सनतकार मिस्टर अमजद की बीवी नहीं? मगर तुम्हारे लिए तो सिर्फ नीलम हूँ। रियली? ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा ये बताओ कि क्या पियो, शैंपेन शेरी या? ये कैसे हो सकता है? मैंने शराब छोड़ दी है। मगर मेरा साथ तो देना होगा। तो फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक मंगा लो। वेटर सर, देखो काउंटर पर हमारा नाम लो, एक पैक बड़ा विस्की और मैम साहब के लिए एक शरबत कपन कॉक। सर कपन कॉक समझते नहीं? यस सर। हाँ जल्दी आओ। शरबत कपन कॉक, ये कौन सा शरबत है? शरबतों की कॉकटेल इस होटल की खास इजाद है। ये भी तो मजा आ जाएगा, इसीलिए तो जब मैं लाहौर आता हूँ तो इसी होटल में ठहरता हूँ। थैंक यू। कम ऑन डार्लिंग। मैंने कहा ना मैं शराब नहीं पीती। नो डार्लिंग, किस इट। मैं तुम्हें बता नहीं सकती असलम कि आज मैं तुमसे मिलकर कितना खुश हुई हूँ। सारी बोरियत दूर हो गई है। तो तुम अमजद के साथ खुश नहीं हो? वो मेरी मोहब्बत नहीं, सिर्फ कारोबार है। वैसे देखने में तो अमजद बड़ा स्मार्ट आदमी नजर आता है। सिर्फ देखने में। और वैसे बड़ा तंग नजर है। ओ माय पुअर डार्लिंग, मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है। ऑल यू नीड इज अ लिटिल एंटरटेनमेंट। सच डार्लिंग, मैं तो नेकी की एक्टिंग करते करते बोर हो गई हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ डार्लिंग? बस इन लम्हों को लासवाल बना दो ताकि मैं इस वक्त सब कुछ भूल जाऊं। तो चलो मेरे कमरे में। अरे ये मेरा सर क्यों भारी हो रहा है? यू नॉटी बॉय, क्या था इस शरबत में? ये करवाहट कैसी है? अरे जिंदगी की तलखियों को भुलवाने के लिए ये करवाहट बहुत जरूरी है डार्लिंग। देन कम ऑन।
गोद में सो जाओ। नहीं अम्मी, अब घर चलिए, वहीं जाके सोएंगे। नहीं बेटा, अभी हम घर नहीं जा सकते, ना जाने मालिकों को कब हमारी जरूरत पड़ जाए। खुदा खैर करे, काश मैं उनसे उनकी खैरियत मालूम कर सकती। अम्मी मैं जाके पूछ लेता हूँ। अरे बबलू, तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आती। नींद तो आती है शेर साहब, मगर मगर क्या? मगर अम्मी कहती हैं, मगर अम्मी कहती हैं कि मालिकों की जागते हुए नौकर नहीं सो सकते। नहीं बबलू, तुम नौकर नहीं हो बेटा, मालिक हो, और मेरे सीने से लग जाओ। नहीं शेर साहब, अगर मालकन ने देख लिया तो बहुत मारेंगी, सुबह भी मारा था। बबलू बुरी बात है, शिकायत नहीं किया करते। लगता तुम अभी तक जाग रही हो। आप भी तो जाग रही हैं, शायद मालकन आ गई है। कहां से आ रही हो? क्लब से। और कहां से? मैंने वहां तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए, आखिर क्यों? अपने नापाक जिस्म को मुझसे दूर रखो। नापाक जिस्म? ये तुम क्या कह रहे हो अमजद? मैं तो दिन में 3 टाइम नहाती हूँ, फिर मेरा जिस्म नापाक कैसे हो सकता है? हाँ, ये आज तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? तुम इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? बद किरदार औरत, मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हारी पारसाई का दामन तार तार हो चुका है। बेहयाई के इस बेतरतीब लिबास को अपनी जीती जाती लाश पर डालकर किसी ऐसे मर्द के पहलू में दफन हो जाओ जिसका जमीर मुर्दा हो चुका। अमजद, तुम ये इंसान किस बिना पे लगा रहे हो? क्या देखा है तुमने मुझ में? मैंने तुम में सब कुछ देख लिया, तुम मेरे सामने बिल्कुल नंगी हो गई हो। बताओ क्लब में किसके बाजुओं में झूल कर मेरा इंतजार कर रही हो? ओह, तो इसका मतलब है तुम क्लब आए थे लेकिन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो कोई गायन नहीं था, वो मेरा कजन है, आज ही इंग्लैंड से आया है, और मैं उसके साथ रक्स कर रही थी। मॉडर्न सोसाइटी में किसी के साथ रक्स करना कोई बुरी बात नहीं है। यकीन मानो अमजद, वो मेरा सगा भाई है। सगा भाई? तुम जैसी बेगैरत के मुंह से इस पाकीजा रिश्ते का जिक्र भी कोई बेहिस इंसान सुन सकता है? तुम जैसी नागन को औरत कहना औरत की तौहीन। तुम किसी की बहन नहीं हो, बेटी नहीं हो, बीवी नहीं, तुम किसी आवारा के गुनाह की पैदावार। और तुम अगर कभी मां बनोगी तो अपने ही जैसे किसी बेगैरत वजूद को जन्म दो। अमजद, अमजद, तुम बहुत कुछ कह चुके हो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। दर खरीद लौंडी नहीं कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। बकवास मत करो नीत, मुझे मालूम है तुम अपने असली रूप में जरूर आओगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी इज्जत से खेलने से पहले हमेशा के लिए खत्म कर लूँगा। इसमें भी तुम्हारी रुसवाई होगी, मैं मरते मरते भी तुम्हारे मुंह पर वो स्याही बन जाऊंगी, इसे धोने के लिए तुम्हें मौत के समंदर में मुंह छुपाना पड़ेगा। अमजद, मेरे खून से तुम्हारे खानदान की तारीफ में एक नया बाब लिखा जाएगा। मैं तो कहती हूँ हो सके तो गुस्सा पी जाओ। मॉडर्न सोसाइटी की बीवियों के शरीफ शौहरों में तो बर्दाश्त का बड़ा हौसला होता है मिस्टर अमजद, और तुम इसे हिम्मत हार बैठे। अकबर, तुम्हारी नीलम ने इस शहर के मशहूर सनतकार मिस्टर अमजद से शादी कर ली। यह कैसे हो सकता है? नीलम अभी तक मेरी बीवी है, और अमजद वो तो पहले से शादीशुदा है। ये सब मैं नहीं जानता, मैंने खुद नीलम के मुंह से सुना है। कल वो क्लब आई थी, बहुत से जेवर पहने, बहुत ही सजी बनी और बहुत खुश मालूम हो रही थी। और हाँ, उसका वो दोस्त है ना कराची वाला असलम, वो भी उसके साथ था। अगर ये बात है तो खुदा की कसम मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। रमजानी,
जी बेगम साहब, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? साहब, साहब तो दफ्तर चले गए जी। दफ्तर? जी हाँ, वो तो कब के चले गए। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा। अरे अरे अरे, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? ये घबराहट नहीं, खुशी है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस? हाँ, मैंने शादी का सब इंतजाम मुकम्मल कर लिया है। कोठी, काजी, गवाह, चौहारे, हर चीज मुकम्मल है। आज रात ठीक 10 बजे मेरे आदमी नजमा को उठा कर ले जाएंगे, फिर नजमा हमेशा के लिए मेरी होगी। सर, क्या दी उम्र 309 से फरार हो गया? कौन कौन हो तुम? कौन हो तुम? शौहर बदलने के साथ निगाहें भी बदल गई। तुम अकबर खान? मगर तुम तो जेल में थे। जेल की ऊंची सलाखें हो या तेरे नए यार की ऊंची दीवारें, दुनिया की कोई चीज तुझे मेरे इंतकाम से नहीं रोक सकती। नहीं, आज मैं तेरे लिए मौत का पैगाम बनकर आया हूँ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नफरत और इंतकाम की जो चिंगारी तूने मेरे घर में छोड़ी थी, वो अब भड़क कर शोला बन चुकी है। तो जैसी जहरीली नागन का खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर तू जैसी औरत को दुनिया में जिंदा रहने की इजाजत दे दी गई, तो दुनिया के मर्द औरतों पर एक बार करना छोड़ देंगे। तो जैसी नापाक और बद किरदार औरत का खत्म करना इस दुनिया पर और इस दुनिया में बसने वाली लाखों बावफा औरतों पर सबसे बड़ा एहसान होगा। ये कर किसी को बुलाने की कोशिश न कर, इसलिए कि तेरा कोई हिमायती भी उस मौत से ज्यादा करीब नहीं है जो आज तेरा मुकद्दर बन चुकी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या किया मालकन आपने? कौन है ये आदमी बालकनी के रास्ते अंदर आ गया था। ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैंने इसे गोली मार दी है। मैं मजबूर थी नजमा, मुझे बचा लो नजमा, मैं बेकसूर हूँ। खुदा के लिए कोई तरकीब सोचो, मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। क्या सोच रही हो नजमा? खबरदार इसकी मदद न करना, ये तुम्हारी सौत है, तुम्हारे रास्ते का पत्थर है। तकदीर ने खुद इंतजाम कर दिया है कि तुम्हारे रास्ते से हट जाए, इसकी कोई मदद ना करना। तुम खामोश क्यों हो नजमा? खुदा के लिए कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। देखो नजमा, अगर तुमने कोई तरकीब नहीं सोची तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, फिर तुम्हारे मालिक की और मेरी बहुत बदनामी होगी। हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे अपना तो कोई गम नहीं, मगर मैं अमजद की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो नजमा, तुम्हारे मालिक कितने गैरतमंद आदमी हैं। वो इस बदनामी से बचने के लिए अपनी जान दे देंगे, फिर ये घर उजड़ जाएगा, हमेशा के लिए घर उजड़ जाएगा। वो बदनामी से बचने के लिए अपनी जान दे देंगे, ये घर उजड़ हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। वो बदनामी से बचने के लिए अपनी जान दे देंगे, ये घर उजड़ जाएगा, वो अपनी जान दे देंगे। नहीं नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस घर को उजड़ने नहीं दूंगी, मैं इस घर की खुशियों के लिए अपनी जान दे दूंगी, मैं उन पर से कुर्बान हो जाऊंगी। मैं ये रिवॉल्वर मुझे दे दीजिए, आप इसको फोन कर दीजिए, मुझे कहिए कि ये खून मैंने किया है, ये खून मैंने किया है, ये खून मैंने किया है।
ये गोली तुमने चलाई है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये खून इससे हो गया है, मगर ये बेकसूर है। ये हमारी पुरानी मुलाजमा है, बड़ी नेक औरत है। ये इस कमरे में अकेली थी कि ये डाकू इस बालकनी के रास्ते अंदर आ गया और इसने इसकी इज्जत पर हमला कर दिया। ये बेचारी मजबूर हो गई, इसने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए इसे गोली मार दी। ठीक है, मैं समझ गया, ये कैदी जेल तोड़कर भागा है। हम भी इसका पीछा कर रहे थे, ये छुपने के लिए इस घर में घुस आया होगा। औरत को देखकर इसकी नीयत बदल गई होगी। ऐसे आदमी को इन हालात में कत्ल करना जुर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि ये मामला कत्ल का है, इसलिए हम आपकी मुलाजमा को गिरफ्तार करने पर मजबूर हैं। मंजूर अली, तुम यहाँ रुको, मैं अभी एम्बुलेंस और फोटोग्राफर भेज देता हूँ। उस वक्त तक इस कमरे की देखभाल करना और किसी को भी कोई चीज मत छूने देना, समझे? बहुत अच्छा सर। आए बीबी मेरे साथ। अम्मी कहाँ जा रही हो? अम्मी छोड़ के कहाँ जा रही हो? अम्मी तेरी माँ मजबूर है मेरे लाल, मैं बेबस हूँ, मुझे अपना फर्ज भी निभाना है। अरे नजमा, नजमा तुम बेफिक्र रहो, मैं इसे अपनी औलाद की तरह रखूंगी। मालकन में से आपके सुपुर्द किए जा रही हूँ, इस मासूम का ख्याल रखिएगा, इसे कोई तकलीफ ना हो, आपसे मेरी ये आखिरी इल्तिजा है। नजमा ये मेरे पास तुम्हारी अमानत है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बहुत जल्द जमानत पे छुड़ा लाऊंगी। मैं शहर के सबसे बड़े काबिल वकील को तुम्हारे लिए खड़ा करूंगी, मैं तुम्हें कभी सजा नहीं होने दूंगी नजमा। ना जाओ अम्मी, मुझे छोड़ के ना जाओ अम्मी। अम्मी अम्मी। अबे चुब्बे, जरा सी लिफ्ट क्या कराई सर पे चढ़ गया, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए नालायक का बच्चा। चल मेरे साथ चल। तो क्या है भाई, बाहर पुलिस की गाड़ी क्यों? ओह डार्लिंग, अच्छा आप आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर हुआ क्या है? वो नौकरानी है ना अपने नजमा, देखने में तो कितनी मासूम और भोली नजर आती थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी निकलेगी। आखिर किया क्या है उसने? नजमा ने किसी को कत्ल कर दिया। नजमा ने कत्ल कर दिया? हाँ, उसका कोई यार जेल तोड़कर उसके पास आया था, नजमा ने उसे कत्ल कर दिया, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, और हाँ उसने पुलिस के सामने इकरारे जुर्म भी कर लिया। कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी अम्मी को बुला दीजिए। अच्छा भूल जाओ बेटे, वो बहुत बुरी थी। नहीं नहीं वो बुरी नहीं है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो मेरे पास बैठी हुई थी, दम से आवाज आई, अम्मी भागी, मैं भी भागा, वहाँ वो आदमी यूँ गिरा पड़ा था। मालकन से पूछ लीजिए सेठ साहब। क्यों सेठ साहब के कान खा रहे हो? वो वैसे परेशान है। तुम कह रहे थे तुम्हारी अम्मी ने उसे कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने मारा? पता नहीं सर साहब, मालूम नहीं सर साहब। अजीब बात है, बबलू कह रहा है कि नजमा ने उसे कत्ल नहीं किया, जब वो वहां पहुंची तो वो मर चुका था। आप भी अजीब आदमी है, बच्चे की बातों में आ गए। कत्ल उसी ने किया है, मैंने खुद देखा है, अगर वो कत्ल नहीं करती तो पुलिस के सामने इकरार क्यों करती? आखिर वो बच्ची तो नहीं है, उसे ये तो जरूर मालूम होगा कि जुर्म के इकरार करने का क्या अंजाम होता है, और वैसे भी कोई उसे इस बात पर मजबूर तो नहीं कर सकता था। उफो, आप तो ऐसे ही अपने जहन को थका रहे हैं, प्लीज आप आराम करें ना, आप इतने थके हुए हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। जा।
वो मेरे पास बैठी हुई थी, दम से आवाज आई, अम्मी भागी, मैं भी भागा, वहाँ वो आदमी यूँ गिरा पड़ा था। खतरा, तुम कहीं से करण लेकर आए? अकबर मुझे जान से मारने आया था, मैंने उसे खत्म कर दिया। तो खत्म कर दिया तो उसका खत्म दिला दो। मगर नजमा, नजमा ने हक के नमक अदा करने के जोश में पुलिस के सामने इकरार जुर्म कर लिया। तो फिर तो इसका मतलब है खतरा टल गया? जी नहीं, खतरा भी नहीं टला। वो नजमा का बच्चा है ना, वो अमजद के सामने अभी कह रहा था कि कत्ल नजमा ने नहीं किया। ओ नो। वो तो अच्छा हुआ मैं मौके पर पहुंच गई और बात नहीं बिगड़ी, मगर खतरा तो मौजूद है। ओ यस, है तो सही, पॉसिबिलिटीज देयर। ये खतरा टल जाना चाहिए। आज रात बबलू को ठिकाने लगा दो। वेरी गुड। ओह नो 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 सिस्टम ला, डबल मर्डर, एक रात में दो कत्ल, ये मेरे कोटे से बहुत ज्यादा है। इस तरह अमजद को और पुलिस को शक पड़ जाएगा और हम दोनों धर लिए जाएंगे। मगर नारियल वाले, बबलू का जिंदा रहना भी तो ठीक नहीं। ये तो है, लेकिन वो बच्चा है, उसको डरा धमका के चुप कराया जा सकता है। सहम जाएगा, जुबान नहीं खोलेगा। मगर कब तक? जब तक हमें उसे क्लिच करने का मौका नहीं मिल जाता। ऑल राइट। गेट बटना उतार दो। आओ आओ, जम जम आओ। खैर से क्या करती आई? ओह नजमा तुम, ओह गॉड, तू यहाँ कैसे आ गया? मगर तू यहाँ कैसे आ गई? ओह तू तो इंग्लैंड गई थी। ओह उसे इंग्लैंड के चक्कर में तुम्हें यहाँ आ गया? जानी वो साला आदमी जिसने मुझे यूके भिजवाया था, खम्बखट इस मगलर और बस क्या बताओ, इस मगलर और फ्रॉड निकला। जानी उसने अपना खाम निकालने के लिए मुझे जाली पासपोर्ट दे के भिजवा दिया, और जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मगर मैंने भी उस साले के मुतालिक पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन दे दी। मगर जाली तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारे बारे में तो मैं ड्रीम नहीं कर सकती कि तुम यहाँ हो सकती हो। मेरी बदकिस्मती की दास्तान बहुत तवील है। ये दास्तान उस दिन से शुरू है जब तुम मर्दाना लिबास पहनकर मुझसे रुखसत होने आई थी। वो तुझे मर्द समझे, उन्हें मुझ पे शक हो गया। मैंने लाख कस्में खाई मगर तुम्हारे हुदूद से वो बिल्कुल बदगुमान हो गए। उन्होंने मुझे ठुकरा कर दूसरी शादी कर ली, और आज जब उनकी उस बीवी से खत्म हो गया तो वो इल्जाम अपने सर लेना चाहते थे। भला सोचो तो सही, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसलिए ये इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। और वो साली दूसरी वाइफ कौन है? कोई कराची की है, उसका नाम नीलम है, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। नीलम? ओह नो, गोरी गोरी सी, सुनहरे सुनहरे बाल, लंबी सी, लचक मटक, ओह इज इट शी? हाँ है तो कुछ ऐसी ही। क्या तू उसे जानती है? ओह यस ऑफ कोर्स आई नो, एक नंबर की हर्राफा है। ओह नो, अमजद भाई उसके ट्रैक में कैसे फंस गए? अमजद भाई कैसे फंस गए, मैं तो हैरान हो गई। उसका तो प्रोफेशन ही यही है, शादियां करना, लूट मार करना, गायब हो जाना, पता नहीं कितने लोगों को खा चुकी है। या अल्लाह, ये तूने क्या बता दिया? परवरदिगार तू उनकी हिफाजत करना। डोंट वरी माय डार्लिंग, मुझे थोड़ी दिनों बाद रिहाई मिलने वाली है, मैं बाहर जाके सब ठीक कर दूंगी। रजमा, नो सैड माय डियर, मेरी अम्मी को बुला दो, फिर तब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी अम्मी को बुला दो। आप तो ऐसे बच्चों की बातों में आ गए। मेरी अम्मी बुरी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मेरी अम्मी तो मेरे साथ बैठी हुई थी। अगर वो कत्ल न करती तो पुलिस के सामने इकरार क्यों करती? मेरी अम्मी बुरी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, उसका कोई यार जेल तोड़कर उसके पास आया था,
नजमा ने उसे कत्ल कर दिया, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, और हाँ उसने पुलिस के सामने इकरारे जुर्म भी कर लिया। दया, ये सब क्या है? क्या नजमा वाकई इतनी बुरी है? और नहीं तो फिर ये सब मेरी अम्मी को बुला दो फिर, तब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी अम्मी को बुला दो फिर। नहीं, मेरी अम्मी बुरी नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं है। मेरी अम्मी तो मेरे साथ बैठी हुई थी, वहाँ दम से आवाज आई, वहाँ अम्मी भागी मैं भी भागा, वहाँ वो आदमी मुँह पड़ा था। मालकन से पूछने फिर साहब कुत्ते कमीने से उल्टी सीधी बातें लगा रहा था। मुझे माफ कर दो मालकन, अब मैं कभी नहीं बोलूंगा मालकन। कमीने तो बोलेगा भी कैसे, मैं तेरी जबान ना काट दूंगी। माफ कर दो मालकिन, ना मैं कभी भी नहीं बोलूंगा मालकिन, ना मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। अब अगर मुंह से एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुझे चल के मार दूंगी। नीलम क्या बात है, क्यों मार रही? वो इसने सारे बर्तन तोड़ दिए। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे बताओ वो क्या राज है जिसे छुपाने के लिए तुम इस मासूम की जान लेने पर तुली हुई हो? जवाब दो, वरना जिस छड़ी से तुम इस मासूम की जबान बंद करना चाहती हो उसी छड़ी से मैं सच उगलवाने के लिए तुम्हारी खाल खींच दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? इसने सारे बर्तन तोड़ दिए। बोलो बदतमीज बेहुदा कहेगी, अगर तुम सच नहीं बोल सकती तो बबलू झूठ नहीं बोलेगा। बताओ बबलू, बबलू, बबलू अपने बाप के पास है। सच्चा मेरा दिल टूट रहा है, मेरा दिल टूट रहा है। ओके माय डियर, बता
स्टेशन गुलबर्ग। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अमजद बोल रहा हूँ। हाँ वो मेरा बच्चा बबलू। आप फिक्र ना करें अमजद साहब, हमने तमाम थानों में इतला भिजवा दी है, इंशाल्लाह आपका बच्चा जल्द मिल जाएगा। मैंने, मुझे क्या मन, तुम्हारे अम्मी कहाँ है? अब मेरी अम्मी को सेठ साहब के घर से ले गए थे। मगर बेटे वो तो जेल में है, तुम वहाँ कैसे जा सकते? खुदा के लिए मुझे वहाँ ले चलो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे यहाँ कोई नहीं। आओ बेटे, मैं तुम्हें जेल के पास ले जाता हूँ, शायद वो तुम्हें माँ के साथ मिला दे। नजमा तुम्हारी मुलाकात आई घर। बेटे हम तुमको जेल में नहीं भिजवा सकते, मगर हमने तुम्हारी माँ को यही बोला है। सर मुझे इजाजत है। ठीक है तुम जा सकते। अच्छा बेटे अब तुम वहां बैठ जाओ, हम अभी तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देते। अम्मी, बबलू, अम्मी, सब अच्छा? तू किसके साथ आया? क्या मालिक भी आए? इसे तो पुलिस वाला लाया बीबी, वो बता रहा था कि ये बच्चा सड़क पर मिला था। तो बबलू ये सही कह रहे हैं बबलू? हाँ अम्मी, रात मार्केट में मुझे बहुत मारा, ये देखो मेरा बच्चा, मेरी लाश, मेरा बेटा, खुदा बस मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? अब तो मुझे और क्या दिखाना चाहता है? मेरे बच्चे तेरे साथ बड़ा सुख हुआ है, मगर मगर बबलू तू वापस उस घर चला जा और मालिक से कहना। नहीं अम्मी, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाऊंगा। नहीं बबलू, ऐसा नहीं कहते, तू उस घर में वापस नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा तेरा और कौन सा ठिकाना है बेटा? देखिए बीबी, वो लोग अगर इतने जालिम हैं कि इस मासूम के साथ ये सलूक किया है तो फिर उस घर में से आप जबरदस्ती क्यों भेज रही हैं? इसे कहीं और क्यों नहीं भेज देते? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे बच्चे को संभाल सके। अगर ये बात है बहन तो इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इसे अपने घर में रख लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि सुबह कोई तकलीफ नहीं होगी, आप भी इसे देख सकेंगे। जब आप रहा हो तो अपने बच्चे को मुझसे ले जाइए, ठीक है ना बेटे? आप हमारे साथ रहेंगे ना? मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। अम्मी, तमाम चीजें और कागजात भी लिए जा रही हूं। जब तुम्हें ऐसी हालत में देख लेता हूं। जरूर देखिए, फिर तो और आसानी हो जाएगी। क्या मतलब? हाँ मतलब ये कि मैंने अमजद को तलाक का नोटिस दे दिया। गुड, वेरी गुड। अब तो मिस्टर अमजद के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं,
या तो वो सिस्टर इन लॉ को 1.25 लाख रुपया दे दे या फिर खुदकुशी कर ले, और वो यही करेगा इसलिए कि वो बहुत जज्बाती आदमी है। अमजद भाई, मैं आपको पहचाना नहीं। अगर आप मुझे पहचान जाते तो आपकी शायद ये हालत ना होती। मैं रजिया हूँ, नजमा की सहेली, अंडरस्टैंड? वैसे आप मुझे रजा खान कहकर भी बुला सकती हैं, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। अब कुछ याद आया आपको? क्या नाम था उस कमीने का? रजा खान। देखिए साहब, आप हमारे दोस्तों को ब्रदर नहीं कहेंगे। तेरी ये हिम्मत, छुप छुप कर गैर मर्दों से? रजिया थी। हम जानते हैं हमारे गाने की लड़की ऐसी बात करने से पहले मर जाना पसंद है। तो वो तुम थी, लेकिन मैंने एयरपोर्ट पर मालूम किया था, वो दिन कोई रह गया कराची के लिए सफर नहीं कर रही थी। ये ठीक है साला, वो टिकट मेरे नाम पे नहीं था, मैं किसी और की टिकट पे चला गया था। वो सारे लेटर जो आपने नजमा के पास देखे थे वो साले मेरे ही थे। मैं अपनी डाक नजमा डालने के पते पर मंगवाता था। और हाँ, वो असलम को एड्रेस मैंने ही दिया था। असलम? अरे वही असलम जिसे नीलम अपना कजन कहती है। तो तुम नीलम को भी जानती हो? अच्छी तरह। उन दोनों फराज ने तो मेरी जिंदगी तबाह की। और साला असलम एक ही स्मगलर और जालसाज है, और उसकी पार्टनर नीलम, उसका तो पेशा यही है कि आप जैसे लोगों को फांस कर शादी कर ले और लूट कर भाग जाए। आपसे पहले उसका शिकार अकबर खान था। अकबर खान तो रानी? जी हाँ, वही जो जेल छोड़कर फरार हो गया था ताकि नीलम से अपना इंतकाम ले सके, मगर उस साली ने उस बेचारे को मार डाला। लेकिन उसका कत्ल तो नजमा ने किया। नजमा ने नहीं अमजद भाई, नजमा ने तो ये सोचा था कि नीलम आपकी इज्जत है, आपकी मोहब्बत है, और ये इल्जाम अपने सर ले लिया। अमजद भाई, नजमा कातिल नहीं है, नीलम है। ये मैं क्या कर बैठा हूँ? मैंने अपने ही घर की जन्नत को दोजख बना दिया। नजमा नामी और वो अपने बच्चे को जो जेलर साहब के पास रहता था साथ लेकर चली गई। मैं यहाँ पर तन्हा हूँ। मेरे एक इशारे पे मेरे सारे दोस्त तुम्हारी शान उतार कर तुम्हारी हथेली पे रख देंगे। तुम्हारे मुंह पर पहला थप्पड़ तुम्हारे दोस्तों के नाम का है, दूसरा थप्पड़ तुम्हारे साबिका शौहरों के नाम का है जो बुजदिल और बेगैरत थे, तीसरा थप्पड़ तुम्हारे इस कजिन के नाम का है जो कजिन के रूप में तुम्हारा परिस्तार भी है और नमकहार। अमजद, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे। एक औरत से हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? शर्म? शर्म का लफ्ज तुम जैसे दलाल के मुंह से अच्छा नहीं लगता। सामजद, ये क्लब है, साथ ही झगड़ों का अखाड़ा नहीं, जहां महजब लोग तफरी के लिए आते हैं, हस्तो गिरेबान होने के लिए नहीं। मैं जानता हूं, ये तुम जैसे महजब लोगों का वो लाइसेंस शुदा अड्डा है जहां तुम तहजीब और अदब की आड़ लेकर अपने नंगे जिस्मों की नुमाइश करते हो। अमजद, पिस्तौल में 6 गोलियां हैं।
निकलना चाहिए था अमजद भाई। अगर रात दिन सारा लोगों को मारता तो मेरी प्यारी नजमा का सुहाग उजड़ जाता। वो तो पहले ही बहुत ट्रबल उठा चुके अमजद भाई। ये सारा लोग हमको लड़की समझता, हम बोलता हम लड़की नहीं लड़का है। सिर्फ हमारी वजह से हमारी फ्रेंड का लाइफ बर्बाद हुआ। अब अगर आपने उसका खुश कर दिया अमजद भाई तो मैं समझूंगा मेरी लाइफ का एम पूरा हो गया। अमजद भाई आप जल्दी से जनरल हॉस्पिटल पहुंचे। वो साला नारियल वाला फैजी बबलू को अगवा करना चाहते थे मगर बबलू भागते हुए जख्मी हो गया और उन सारा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बबलू और नजमा हॉस्पिटल में जल्दी जाइए जल्दी जाइए। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं। दोनों का मर्डर किया है, हमको गिरफ्तार कर लो। उन्हें गिरफ्तार कर लो और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें भी मेरे बच्चे के जिस्म में डाल दीजिए। खुदा के लिए इसकी जिंदगी बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अल्लाह से दुआ कीजिए बहन, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखी। Mil.